जिला स्तरीय डाक टिकट संग्रह प्रदर्शनी भोजपेक्स 2024 का आगाज होने जा रहा है। प्रदर्शनी का आयोजन 27 एवं 28 सितंबर को आरा के ग्रैंड रिगल रिसोर्ट में होगा। यदि आप डाक टिकट कलेक्शन में रुचि रखते हैं या आप विभिन्न तरह के दुर्लभ से दुर्लभ डाक टिकटों को देखना चाहते हैं तो आपके लिए यह एक शानदार अवसर है। आरा शहर के ग्रैंड रिगल रिसोर्ट में जिला स्तरीय डाक टिकट संग्रह प्रदर्शनी भोजपेक्स 2024 का भव्य शुभारंभ 27 सितंबर को होने जा रहा है। इस दो दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन भोजपुर डाक प्रमंडल द्वारा किया जाएगा। डाक अधीक्षक पवन कुमार वर्मा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रदर्शनी में 40 फ्रेम लगाए जाएंगे। एक फ्रेम में लगभग 16 डाक टिकट प्रदर्शित किए जाएंगे। प्रदर्शनी में ऐतिहासिक धरोहरों, प्रसिद्ध शख्सियतों, ऐतिहासिक घटनाओं, कला एवं संस्कृति जगत आदि पर आधारित डाक टिकटों का संग्रह शामिल किया जाएगा। इसमें प्रदेश एवं देश स्तर के ख्याति प्राप्त फिलाटेलिस्टों के संग्रह शामिल किए जाएंगे। प्रदर्शनी में सभी लोगों के लिए प्रवेश निःशुल्क होगा। इस कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राओं के लिए सीनियर एवं जूनियर श्रेणियों में अलग अलग पत्र लेखन एवं स्टाम्प डिजाइन प्रतियोगिताएं भी आयोजित होने वाली हैं। इन विभिन्न प्रतियोगिताओं में विशेष आकर्षण अंतिम दिन होने वाला क्विज प्रतियोगिता है, जिसके लिए स्कूली बच्चे काफी उत्साहित हैं। प्रतियोगिताओं में विजयी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा। प्रदर्शनी में दो विशेष आवरण भी डाक विभाग की तरफ से जारी किया जाने वाला है। डाक अधीक्षक ने बताया कि इस तरह की प्रदर्शनी बच्चों के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं उनके बौद्धिक विकास में सहायक होती है। साथ ही उन्होंने छात्र छात्राओं को प्रदर्शनी में आने के लिए आग्रह भी किया। बड़े हर्ष के साथ आप लोग को बताना चाहूंगा, आपके साथ साथ आरा शहर वासियों को भी बताना चाहूंगा कि भोजपेक्स यानी भोजपुर फिलाटेलिक एग्जीबिशन 2024 का आगाज 27 सितंबर को रीगल रिसोर्ट होटल में होने जा रहा है। फिलाटेली एग्जीबिशन जो है, इसका अर्थ है डाक टिकटों का प्रदर्शनी, जहां की आप लोग दुर्लभ से दुर्लभ डाक टिकट देख पाएंगे। फिलाटेलिस्ट लोग जो शुरुआती दौर से जो डाक टिकट, स्पेशल कवर्स, स्पेशल कैंसिलेशंस का जो कलेक्शन किए हैं, उन कलेक्शन का फ्रेम के माध्यम से हम लोग डिस्प्ले में लगाएंगे, जिसे सारे आरावासी देख पाएंगे। यह बहुत ही ज्ञानवर्धक और ज्ञान का स्रोत होता है। डाक टिकट अपने आप में जो है ज्ञान का स्रोत होता है। एक डाक टिकट किसी जिस विषय पर वो डाक टिकट निकाला गया है, चाहे वो कोई घटना हो, चाहे वो कोई इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस हो, या इस तरह का कोई भी महापुरुष हो, उनके विषय में, उनके बारे में सारी कहानियां वह डाक टिकट कह देता है। तो डाक टिकट अपने आप में ज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। मैं तो ये कहना चाहूंगा आप लोगों के माध्यम से कि आरा शहर के सभी छात्र छात्राएं जरूर इस प्रदर्शनी को देखने के लिए आए, समय निकाले। शुक्रवार और शनिवार दो दिन यह कार्यक्रम है, शनिवार यूजुअली छुट्टी का भी दिन रहता है, तो जरूर अपना समय निकाले और आकर के प्रदर्शनी को विजिट करें, देखें। देखने से उनका ज्ञानवर्धन होगा और ज्ञानवर्धन के साथ साथ काफी रुचिकर विषय भी है ये। फिलाटेली के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि इसके बारे में कहा जाता है, स्लोगन है कि यह शौकों का बादशाह है और बादशाहों का शौक है यह, ठीक है। डाक टिकट में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो कभी भी नुकसान नहीं होता है। मतलब 5 रुपये का डाक टिकट का कीमत कभी भी 4.5 रुपये नहीं होगा। उसका कीमत कालांतर में समय के बाद बढ़ने, समय बढ़ने के साथ 5 रुपये के जगह 10 रुपये, 20 रुपये, और ऐसे भी टिकट्स हैं जो कि कभी एक आना 1 पैसे का जारी हुआ था, आज उसका कीमत करोड़ों में है। वैसे टिकट भी बड़े बड़े प्रदर्शनियों में अंतर्देशीय प्रदर्शनी या फिर नेशनल लेवल का जो फिलाटेली का प्रदर्शनी होता है, उसमें वैसे वैसे डाक टिकट भी रहते हैं। यहाँ भी हम लोगों ने प्रयास किया है कि वैसे दुर्लभ डाक टिकट का दर्शन आरावासियों को हो सके, जो कि आज के डेट में चलन में नहीं है, खोजने से नहीं मिलेगा या उसकी बाजार का कीमत करोड़ों में है। कितने फ्रेम लगाए जाएंगे? 40 फ्रेम लगा रहे हैं हम लोग। एक फ्रेम में लगभग 32 तरह के एग्जीबिट्स होते हैं। इसका उद्घाटन 27 सितंबर को होने जा रहा है। माननीय चीफ पोस्टमास्टर जनरल जो हैं वो विशेष
अतिथि हैं, हमारे उद्घाटन करता हैं और मुख्य अतिथि हैं वाइस चांसलर श्री शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी जी, वो हमारे मुख्य अतिथि हैं। उद्घाटन करता हमारे चीफ पोस्ट मास्टर जनरल हैं। इसमें एक विषय और बताना रह गया था, वह यह है कि हम लोग इस दो दिवसीय कार्यक्रम में दोनों दिन विशेष कवर का, विशेष आवरण बोलते हैं उसको, स्पेशल कवर, उसका उसको रिलीज करने जा रहे हैं, उसको विमोचन करने जा रहे हैं। पहला दिन हम लोग श्री वशिष्ठ नारायण सिंह जी के ऊपर, जो कि वशिष्ठ नारायण सिंह की धरती मानी जाती आ रहा, कुंवर सिंह की धरती है हमारी, वो यहाँ के निवासी हैं, उनके ऊपर स्पेशल कवर जारी किए जा रहे हैं। पद्मभूषण भी हमारे वो विजेता रहे हैं। और दूसरे दिन आरा के ही अरण्य देवी मंदिर जो है, अरण्य देवी मंदिर के ऊपर विशेष कवर जारी किए जाएंगे, जिसमें कि उनके अध्यक्ष भी शिरकत करेंगे, अरण्य देवी मंदिर विकास ट्रस्ट के अध्यक्ष भी शिरकत करेंगे। स्पेशल कवर जारी किए जाएंगे, स्पेशल कवर एंड स्पेशल कैंसिलेशन जारी किए जाएंगे। स्टाम्प डिजाइन प्रतियोगिता सर आप लोगों ने रखा है दो दिवसीय कार्यक्रम में, स्टाम्प डिजाइन प्रतियोगिता, तो पहले से इसमें कोई पार्टिसिपेट किया है या अचानक से सर ये मतलब कि क्या? देखिए, कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए, कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए हम लोगों ने इस बहुत सारे स्कूल को पर्सनली भी, पत्र के माध्यम से भी और आप लोग अखबारों के माध्यम से भी संपर्क किया है। बहुत लोग आए हैं हमारे पास और उनके बच्चे इसमें आएंगे। हम लोग तीन तरह का प्रतियोगिता इस पे कराने जा रहे हैं, एक पत्र लेखन प्रतियोगिता है, एक स्टाम्प डिजाइन प्रतियोगिता है जो पहला दिन होगा, और दूसरा दिन जो होगा वो फिलेटेलिक क्विज होगा, क्विज होगा हम लोगों का। तो पहला दिन जो दो प्रतियोगिता है, पत्र लेखन का प्रतियोगिता, उस प्रतियोगिता में उसका जो थीम है, उसका थीम है डिजिटल युग में पत्र लेखन का महत्व। इस थीम पर बच्चों को लिखना है। डाक विभाग के द्वारा वहां अंतरदेशीय पत्र कार्ड दिए जाएंगे और इस पत्र कार्ड पर वो 500 शब्दों में अपना पत्र लेखन करेंगे। यह प्रतियोगिता जो है ओपन है, यह प्रतियोगिता हम लोग वहां करवा रहे हैं बच्चों के बीच, लेकिन यह प्रतियोगिता 14 दिसंबर तक जारी रहेगी। जो लोग अपने घर में भी अंतरदेशीय पत्र कार्ड पे लिख सकते हैं या सादा पेपर पर भी लिख के इनवेलप में डाल करके भेज सकते हैं। अंतर यही होगा कि सादा पेपर पर लिखेंगे तो थीम यही रहेगा, लेकिन 1000 शब्दों में उनको लिखना होगा, और अगर अंतरदेशी पर लिखेंगे तो 500 शब्दों में लिखेंगे। इसमें राष्ट्रीय राज्य स्तर पर 25,000, 10,000 और 5,000 का पुरस्कार राशि भी है, और वही प्रविष्टि जो राज्य स्तर पर सेलेक्ट किए जाएंगे, राष्ट्रीय स्तर पर भेजे जाएंगे, उनमें पूरे सभी राज्यों से जो राष्ट्रीय स्तर पर ये प्रविष्टि जाएंगे उनमें उनको 50,000, 25,000 और 10,000 का भी पुरस्कार राशि निर्धारित है, जो 14 दिसंबर के बाद हुआ राशि उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा कि उसमें कौन विनर है। समय लोगों को है, कितना समय तक ये समय है? हम लोग उस पत्र लेखन प्रतियोगिता को अपने फिलेटेली एग्जीबिशन के दरमियान भी करवा रहे हैं, ताकि यहाँ पर भी एक पत्र लेखन प्रतियोगिता हो जाए। घर से पत्र भेजेंगे वो किस पते पर? सभी पत्र, चाहे हमारे प्रिमाइज में कल एग्जीबिशन के दरमियान लिखे पत्र लेखन करें, चाहे घर पे लिखे, सभी पत्र भेजे जाएंगे मुख्य डाक महाध्यक्ष बिहार सर्किल पटना 8,01 को। स्टाम्प डिजाइन के बाद स्टाम्प डिजाइन प्रतियोगिता बच्चों के बीच किए जा रहे हैं, कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए, कि बच्चे अपने मन से, यहाँ कोई हम लोग थीम नहीं देंगे, अपने मन से स्टाम्प का डिजाइनिंग करेंगे, चित्रकारी करके स्टाम्प बनाएंगे, और यह स्टाम्प हम लोग भेजते हैं, जो उसमें सबसे अच्छे स्टाम्प होंगे कलेक्ट किए जाएंगे, उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा बच्चों को ऑन स्पॉट। नेक्स्ट डे जो पुरस्कार वितरण समारोह होगा अंतिम दिन, उस दिन जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनको हम लोग पुरस्कृत भी करेंगे, और उनके जो प्रविष्टि होगा, जो उनका स्टाम्प डिजाइनिंग किया हुआ प्रविष्टि होगा, उस प्रविष्टि को हम लोग अपने सर्कल कार्यालय को भी भेजेंगे। ऐसा हुआ भी है पूर्व के दिनों में कि बच्चों का ही एक स्टाम्प डिजाइन महाराष्ट्र सर्कल में हुआ था, कि इतना पसंद आया था कि उस पर एक स्टाम्प भी जारी किया गया था। सर एक और सवाल है थोड़ा सा, अभी आपने कहा जो मतलब कि जो पत्र लिखेगा, तो ये पत्र भोजपुर होगा, बिहार होगा या ऑल ओवर इंडिया से? ये पत्र लेखन प्रतियोगिता जो मैंने जिस थीम की बात किया, डिजिटल एज में पत्र लेखन का महत्व, जॉय ऑफ राइटिंग, डिजिटल इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग लेटर्स ड्यूरिंग डिजिटल एज, ये जो थीम है इस पर आप हिंदी, इंग्लिश या कोई भी भाषा में लिख सकते हैं। ये पूरे हिंदुस्तान के लिए है, ओपन टू ऑल है। इसमें दो कैटेगरी है, आप भी भाग ले सकते हैं। 18 वर्ष से कम उम्र का बच्चे के लिए अलग कैटेगरी है, 18 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले बच्चे के लिए कैटेगरी अलग है। थीम यही है
भेजने का प्रक्रिया यही है, लेकिन अवार्ड 18 वर्ष से कम वालों के लिए भी 3 अवार्ड है, 18 वर्ष से ज्यादा वालों के लिए भी 3 अवार्ड है। इसके अलावा हम लोग फिलाटेलिक क्विज कराएंगे नेक्स्ट डे, जिसमें बच्चों से डाक विभाग से संबंधित जो रेलिवेंट है, जो बिल्कुल सामान्य ज्ञान होना चाहिए डाक विभाग से संबंधित, उस तरह के प्रश्न के ऊपर एक क्विज करा रहे हैं, डाक टिकट के ऊपर क्विज करवा रहे हैं, डाक प्रदर्शन टिकट का प्रदर्शनी के ऊपर क्विज करवा रहे हैं, प्लस जो सामान्य ज्ञान होना चाहिए आम जीवन बच्चों के बीच उसके ऊपर भी एक क्विज करवा रहे हैं। उस क्विज उसमें भी जो टॉप करेंगे उन्हें भी हम लोग पुरस्कृत करेंगे। एक सवाल उनका था, स्पेशल कवर क्या होता है, FDC बोलते हैं इसको, फर्स्ट डे कवर। ये एक बार ये कवर छपता है, एक बार ये कवर छपता है और ये कवर जो है सभी जगह जाता है, नेशनल फिलाटेलिक म्यूजियम में भी जाता है, संचार मंत्री के कार्यालय में भी जाता है, प्लस सभी फिलाटेलिक ब्यूरो में भी जाता है। बिहार में दो फिलाटेलिक ब्यूरो है, पटना में एक, मुजफ्फरपुर में, सभी ब्यूरो में जाता है। वहाँ पे जो फिलाटेलिस्ट लोग होते हैं, जो इनका कलेक्शन करते हैं, जिनका कलेक्शन इस प्रदर्शनी में हम लोग दिखाएंगे, इसमें बहुत सारे स्पेशल कवर भी आप लोग को देखने को मिलेगा इस प्रदर्शनी में, तो वो लोग इसको परचेज करते हैं, वो लोग परचेज करते हैं और इसकी वैल्यू दिन ब दिन बढ़ते जाती है। हम लोग स्पेशल कवर भी का भी काउंटर लगाएंगे यहाँ पर, फिलाटेलिक आइटम्स के भी काउंटर लगेंगे कि जो कुछ डाक टिकट जो फिलाटेली के डाक टिकट है वो उनके भी काउंटर्स लगेंगे। इसके अलावा इस प्रदर्शनी में हम लोग ऑन स्पॉट कुछ डाक विभाग की जो सेवाएं हैं उसका भी काउंटर लगा रहे हैं, जैसे माई स्टाम्प। माई स्टाम्प काउंटर क्या है कि स्टाम्प पर आप अपना फेस, अभी तक देखते होंगे जवाहरलाल नेहरू के ऊपर स्टाम्प है, महात्मा गांधी के ऊपर स्टाम्प है, जो महापुरुष हुए हैं उनके ऊपर स्टाम्प है, आप चाहते हैं कि आपके ऊपर भी स्टाम्प निकले, तो हम लोग माई स्टाम्प काउंटर भी लगा रहे हैं आपके ऊपर भी स्टाम्प को रोचक बनाने के लिए। यह किया गया है, 300 रुपये एक सीट का कीमत है, जिसमें कि 12 स्टाम्प मिलेंगे। उस स्टाम्प को आप यूज भी कर सकते हैं, गिफ्ट पर्पज से भी लोग इसको बनवाते हैं, ये किसी को बर्थडे गिफ्ट कर दिए, कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं।